हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि फ़ोटो पर सॉन्ग कैसे लगाते हैं। जी हां दोस्तों, यदि आप अपने फ़ोटो पर अपनी मनपसंद का सॉन्ग लगाना चाहते हो बिना किसी एप्लीकेशन को डाउनलोड किए ही, तो इस वीडियो को एंड तक बिना स्किप के ध्यान से देखना। मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जहाँ से आपको किसी भी ऐप को डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है और आप अपने फ़ोटो के अंदर अपनी मनपसंद का म्यूजिक सॉन्ग लगा सकते हो। दोस्तों, आप अपने फ़ोन के अंदर फेसबुक तो चलाते ही होंगे, बस आपको अपने फ़ोन के अंदर फेसबुक को ओपन करना है। और जैसे ही दोस्तों यदि आप अपने फ़ोन के अंदर फेसबुक को ओपन करोगे ना, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्रिएट ए स्टोरी के ऊपर क्लिक करना है। और दोस्तों, आप यहाँ पे ये सोचना मत कि ये मैंने फेसबुक स्टोरी क्यों ओपन किया है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे एक तरीका है जिसका यूज करके आप अपने दोस्तों फोटो पर अपनी मनपसंद का म्यूजिक सॉन्ग लगा सकते हो। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी, तो आपको यहाँ पे अपना गैलरी से एक कोई सा भी एक फ़ोटो ले लेना है जिस फोटो पर आप यहाँ पे म्यूजिक सॉन्ग लगाना चाहते हो। तो यहाँ पे मैंने एक फ़ोटो को सेलेक्ट कर लिया है, और जैसे ही फ़ोटो को सेलेक्ट करोगे ना, तो आपके सामने यहाँ पे कुछ इस तरह से ऑप्शन आएंगे। आपको यहाँ पे म्यूजिक के ऊपर क्लिक करना है, और आपके सामने यहाँ पे फेसबुक के अंदर जितनी भी म्यूजिक है ना दोस्तों, यहाँ पे आपको इस तरह से ओपन हो जाएगी। या तो यहाँ पे आपको जो पसंद हो वो यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो, या फिर यहाँ पे जो ट्रेंडिंग में यहाँ पे जो म्यूजिक चलते रहते हैं वो आपको यहाँ पे दिए गए हैं। मान लो यहाँ से यदि आपको कोई गाना पसंद नहीं आ रहा है, तो आप यहाँ पे इस तरह से उसका नाम भी लिख के सर्च करोगे ना, तो आपको यहाँ पे इस तरह से गाने आ जाएंगे। अब जैसे ही सेलेक्ट करोगे उस गाने के ऊपर, तो आपके यहाँ पे दोस्तों ये जो फोटो में है ना गाना लग जाएगा, और ये जो लोगो दिख रहा है ना, आप इसे अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। और आपको यहाँ पे शेयर स्टोरी के ऊपर क्लिक कर देना है, और ये आपके फेसबुक स्टोरी के अंदर ये आपके फ़ोटो पर सॉन्ग लग चुका है। आप ये सोच रहे होंगे कि ये तो आपके फेसबुक स्टोरी पर लगा है, बट दोस्तों आप यहाँ पे बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। जैसे ही दोस्तों यहाँ पे स्टोरी कंप्लीट हो जाएगा ना, अब मैं आपको यहाँ पे एक दूसरा यहाँ पे ट्रिक दिखाने वाला हूँ, जहाँ से दोस्तों आप अपने फ़ोटो को देखोगे कि दोस्तों आपके फ़ोटो के अंदर गाना लग चुका होगा। तो यहाँ पे अभी ये फिनिश नहीं हुआ है, जैसे ही फिनिश कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद हम दूसरे एक जगह से यहाँ पे दोस्तों अपने फ़ोटो को देखेंगे। अब यहाँ पे ये जो मेरी स्टोरी है ना दोस्तों, ये इस तरह से कंप्लीट हो चुकी है। मैंने इसका आवाज़ बंद कर दिया है ताकि दोस्तों यहाँ पे कॉपीराइट का इशू ना आए। सबसे पहले आपको यहाँ पे अपनी स्टोरी को ओपन करना है, थ्री डॉट के ऊपर क्लिक करना है, और आपको यहाँ पे कॉपी लिंक टू शेयर दिस स्टोरी आपको यहीं पर क्लिक कर देना है। आपके ये जो स्टोरी है ना, इसका लिंक कॉपी हो चुका है। अब दोस्तों आपको यहाँ से अपनी स्टोरी को इस तरह से डिलीट कर देना है। डिलीट नहीं करना है अभी, अभी आप जब नेक्स्ट प्रोसेस कर लो तब जाके आपको यहाँ पे डिलीट करना है। अब यहाँ पे आपको सर्च करना है वेबसाइट को एक, जो कि आपको यहाँ पे गूगल क्रोम के अंदर आना है, कोई सा भी एक ब्राउज़र ओपन करना, और यहाँ पे इस तरह से लिख देना है फेसबुक स्टोरी। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे फेसबुक लिख दिया, स्टोरी डाउनलोड। आपको यहाँ पे ध्यान से देखना है, फेसबुक लिखना है, स्पेस देना है, स्टोरी लिख देना है, और डाउनलोड लिख के सर्च कर देना है फेसबुक स्टोरी डाउनलोड। तो दोस्तों आपके सामने यहाँ पे बहुत ढेर सारी वेबसाइट आ जाएंगी, बहुत सारी वेबसाइट आ जाएंगी। अब यहाँ पे आपको जो भी वेबसाइट काम करे, जैसे कि मान लो ये वाली जो वेबसाइट है, मैं इसे ओपन कर रहा हूँ, और जो आपने लिंक कॉपी किया ना, वो लिंक आपको यहाँ पे इस तरह से पेस्ट कर देना है। जैसे ही पेस्ट कर दोगे ना, और यहाँ पे डाउनलोड के ऊपर क्लिक करोगे, तो दोस्तों आपके सामने यहाँ पे ये लोडिंग ले रहा है, और लोडिंग जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा, तो देख सकते हो दोस्तों ये जो वेबसाइट है ना, ये काम नहीं कर रही है। तो हम यहाँ पे दूसरा जो वेबसाइट है ना, वो सर्च करेंगे। अब यहाँ पे ये जो दूसरी वेबसाइट है ना, मैंने इसे ओपन कर दिया है, और यहाँ पे इसका जो लिंक है मैंने पेस्ट कर दिया है। और लिंक पेस्ट करने के बाद आपको यहाँ पे ये सर्च कर रहा है, और जैसे ही यहाँ पे दोस्तों सर्चिंग कंप्लीट हो जाएगा, तो देख सकते हो जो मैंने स्टोरी लगाया था ना, वो यहाँ पे दिख रहा है, और ये पूछ रहा है आप यहाँ पे HD में 360 पिक्सल में किस क्वालिटी में डाउनलोड करना चाहते हो। तो दोस्तों मैं डाउनलोड यहाँ पे HD क्वालिटी को सेलेक्ट करूँगा, और ये दोस्तों जो फ़ोटो है ना, जो कि मेरे फ़ोटो के अंदर गाना लगा है, वो मेरे गैलरी के अंदर यहाँ पे सेव हो चुका है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। और इसके बाद यदि आप चाहते हो कि ये जो फेसबुक के अंदर आपने स्टोरी लगाया, इसे मैं डिलीट मार दूँ, तो अब दोस्तों आप यहाँ से इस स्टोरी को इस तरह से थ्री डॉट पर क्लिक करके अपनी स्टोरी को ओपन करना, थ्री डॉट पर क्लिक करना, और डिलीट वीडियो के ऊपर क्लिक कर देना। और ये जो स्टोरी है ना आपके फेसबुक से, अब देख सकते हो कि ये कुछ ही सेकंड के अंदर डिलीट हो जाएगी। अब ये डिलीट हो गई है, बट दोस्तों जो आपने फ़ोटो डाउनलोड किया वो आपकी गैलरी में ये
दिख जाएगा। ये आपकी गैलरी के अंदर डाउनलोड हो गया है। अब इसको आप चाहो तो कहीं पे भी यूज कर सकते हो, जैसे कि इंस्टाग्राम स्टोरी पे लगा सकते हो या व्हाट्सअप स्टोरी पे लगा सकते हो। और दोस्तों ये बेहद ही मस्त तरीका है, बिना किसी एप्लीकेशन को फ़ोन के अंदर डाउनलोड किए ही अपनी मनपसंद का अपने फोटो पर म्यूजिक सॉन्ग लगाने का। आई होप कि वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा, फायदा मिला होगा। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ को देखने के लिए।